द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस सदियों से लोगों और शोधकर्ताओं की कल्पना पर कब्जा कर रहा है। इस रहस्यमय शहर के बारे में कई मिथ्स और थियोरी है जिनके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। बिना किसी विश्वसनीय जानकारी के अटलांटिस लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बनने में कामयाब रहा है। तो आज मैं आपको द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिटी के बारे में हमें पहली बार एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो से पता चला, जिन्होंने करीब 2300 साल पहले टाइमियस और क्रिटियस नाम के दो बुक लिखे जिसमें उन्होंने अटलांटिस सिटी के बारे में बताया था। अटलांटिस की कहानी पहली बार 360 BC से शुरू हुई। इसे एक यूटोपियन सभ्यता के रूप में वर्णित किया गया था जो आधे भगवान और आधे मनुष्य द्वारा बनाई गई थी। अटलांटिस एक महान नौसेना शक्ति थी। अटलांटिस में बहुत ही अधिक सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं थे और इस शहर की राजधानी इसके सेंटर में स्थित थी। लोगों के अनुसार अटलांटिस शहर समुद्र में डूब गया क्योंकि यह एक विशाल भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी की चपेट में आ गया था। और प्लेटो ने कहा कि उसके जन्म के 9000 साल पहले अटलांटिस मौजूद था और ये कहानी उसके पीढ़ियों से चली आ रही है। हालांकि अटलांटिस के बारे में सिर्फ उसके बुक में ही है, हमें अभी भी नहीं पता कि ये शहर असल में कहां पर है या था। वैसे इस शहर के लोकेशन के बारे में बहुत सारी थियोरीज है। कुछ थियोरीज की माने तो ये शहर मेडिटेरियन सी के पास स्थित था और कुछ का कहना है कि यह स्पेन के तट से दूर था और कुछ का कहना है कि यह शहर अटलांटिक महासागर में कहीं है। दूसरों का कहना है कि यह स्पेन और मोरक्को के बीच कैडिस नामक क्षेत्र में मौजूद है। सच्चाई यह है कि हम यह भी नहीं जानते हैं कि अटलांटिस वास्तविक रूप से अस्तित्व में है कि नहीं। यह समुद्र के एक महान रहस्यों में से एक है। फिर भी कई लोग इस शहर के अस्तित्व को मानते हैं। जैसा कि हमें पता है, हमें ये अटलांटिस सिटी के बारे में पहली बार प्लेटो से पता चली और शायद वो एकमात्र सबूत है और इसलिए कई ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर किसी के पास नहीं है। इसलिए हम इसके सटीक स्थान और आकार के बारे में नहीं जानते। प्लेटो ने आज से हजारों साल पहले जो लिखा था उसके अनुसार अटलांटिस एक द्वीप था जो लीबिया और एशिया के संयुक्त रूप से बड़ा था। उस समय के यात्री अटलांटिस को पार करके अन्य द्वीपों तक जा सकते थे। यदि हम आज के भूगोल पर विचार करें तो यह संभावना नहीं है कि अटलांटिस आज के लीबिया और एशिया जितना बड़ा हो सकता है। कई लोग जो मानते हैं कि अटलांटिस मेडिटेरियन सी में है, उनका कहना है कि अटलांटिस द्वीप क्रेटे जितना बड़ा है जो ग्रीस का सबसे बड़ा द्वीप है। अटलांटिस को अक्सर एक विशाल शहर के रूप में वर्णित किया जाता है। कुछ के अनुसार अटलांटिस यूरेशिया जितना बड़ा है। जैसे कि हमें नहीं पता कि अटलांटिस सिटी असल में था कि नहीं, इसलिए उसका रियल साइज किसी को नहीं पता और जो भी साइज पता है वो सब थियोरीज पे बेस्ड है। तो चलिए अब जानते हैं कि अटलांटिस सिटी कैसे बना था। कहा जाता है कि पोसाइडन, जो कि समुद्र, तूफान और भूकंप के देवता है, उन्होंने ही अटलांटिस सिटी को बनाया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें क्लेटो नाम की एक महिला से प्यार हो गया था जो कि एक इंसान थी। शहर समुद्र के ऊपर एक द्वीप पर एक पहाड़ी की चोटी पर बना था। द्वीप पूरी तरीके से अलग हो गया था। पोसाइडन ने क्लेटो की सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। यह माना जाता है कि पोसाइडन ने अटलांटिस सिटी का निर्माण करने से पहले उसने अब तक का सबसे बड़ा द्वीप खोजने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा की। जब उन्होंने एक द्वीप देखा जो सभी में सबसे बड़ा था, तो उन्होंने पाया कि द्वीप पर रहने वाले लोग बाकी दुनिया के लोगों की तुलना में अधिक सुंदर और बुद्धिमान थे। यह अटलांटिस पर था कि वो मिले और क्लेटो से प्यार हो गया। बाद में क्लेटो उनकी पत्नी बन गई। हमने जान लिया कि अटलांटिस शहर कैसे और किसने बनाया था। चलिए अब अटलांटिस के बारे में और भी कुछ जानते हैं। अटलांटिस शहर पानी के साथ साथ ज़मीन के कई छल्लों से घिरा हुआ था। यह माना जाता है कि पानी के 5 छल्ले थे। 5 सुरंगों ने
पानी को जमीन से जोड़ा। ये सुरंगें इतनी बड़ी थी कि उसमें आसानी से बड़े बड़े जहाज आ सकते थे। शहर के हर मार्ग पर पहरा था। अटलांटिस शहर की सुरक्षा के लिए बनाए गए गेट और टावर थे। पानी के छल्ले ऊंची दीवारों से घिरे थे। दीवारों का निर्माण लाल, सफेद और काले रंग की चट्टानों का उपयोग करके किया गया था। उन्हें कीमती धातुओं और पत्थरों से सजाया गया था और क्लैटो की पहाड़ी नामक एक ऊंची पहाड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि पोसाइडन ने अपनी पत्नी क्लैटो को पहाड़ी पर कैद कर लिया था, जो बहुत ऊंचे और विशाल खंभों से घिरी हुई थी। पोसाइडन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्लैटो की निष्ठा पर भरोसा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि पोसाइडन और क्लैटो के 5 बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। पोसाइडन और क्लैटो के 10 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का नाम एटलास था। बाद में एटलास अटलांटिस का पहला शासक बन गया। कहा जाता है कि एटलास ने पोसाइडन की एक मंदिर और एक विशाल मूर्ति बनाई गई थी। मूर्ति पूरी तरीके से सोने से बनी हुई थी। इसमें पोसाइडन को एक रथ पर सवार दिखाया गया था, जो पंखों वाले घोड़ों द्वारा ले जाया जा रहा था। वो मंदिर बादलों तक पहुंच रहा था और उसके ऊपर ये मूर्ति लगाई गई थी। इससे हमें पता चलता है कि अटलांटिस कितना अमीर था। और ये कहा जाता है कि अटलांटिस बहुत उपजाऊ और सुंदर था। यह माना जाता है कि यह एक आत्मनिर्भर शहर था और वहाँ के लोगों ने जानवरों को पाला और उनके भोजन की खेती की। और उनके पास बहुत सारे कीमती धातुएं भी थी और उन लोग एक्सपेरिमेंट्स और डेली लाइफ के लिए क्रिस्टल का भी इस्तेमाल करते थे। इससे हमें पता चलता है उस शहर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसकी कहानी इतनी फेमस हो गई कि लोगों ने इसे जगह जगह ढूंढना शुरू कर दिया। भले ही आज तक इसकी असली खोज नहीं हो पाई है, लेकिन लोग इस पर यकीन करते हैं कि अटलांटिस मौजूद है। एडगर केसहेड नाम के एक शोधकर्ता के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि यह खोया शहर सूर्योदय की तरह ही एक बार फिर से उठेगा। उन्होंने कहा कि यह नई भूमि के रूप में विकसित होगा। और कुछ कहानियों से पता चलता है कि अटलांटिस के लोग लाइरियन स्टार सिस्टम से अपने धरती पर आए थे। वे लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे और वे पृथ्वी के लोगों के मुकाबले बहुत अधिक लंबे और गोरे थे। वे 800 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। सरल शब्दों में मानव जाति का एक अधिक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला रूप था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अटलांटिस शहर धरती पर नहीं, मंगल ग्रह पर था। यह किसी एलियन सभ्यता का घर भी रहा होगा। अटलांटिस के लोगों में असाधारण शक्तियाँ क्षमताएं थी। उदाहरण के लिए वे मौसम को नियंत्रित कर सकते थे और वोल्केनिक इरप्शन को मॉडिफाई भी कर सकते थे और टाइम और स्पेस से भी एनर्जी ले सकते थे। हालांकि ये अटलांटिस में रहने वाले लोगों की भव्यता और शानदार जीवन शैली को समझाने के लिए एक मिथ हो सकता है। ये सब तो हो गए अटलांटिस के लोगों के रिलेटेड बातें। तो चलिए अब जानते हैं कि अटलांटिस के साथ क्या हुआ था, वो गायब क्यों और कैसे हो गया। इस विषय में भी बहुत सारी थियोरीज है। कुछ थियोरीज की माने तो अटलांटिस भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी के चपेट में आ गया था, जिसके कारण अटलांटिस पानी में डूब गया था। कुछ थियोरीज की माने तो अटलांटिस में रहने वाले लोग अत्यधिक उन्नत थे, लेकिन वे जल्दी लालची हो गए, जिसके कारण देवताएं क्रोधित हो गए और वहाँ के लोगों को सजा के तौर पर आग और भूकंप की एक भयानक रात भेजकर इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। सबके बावजूद हम इस पौराणिक शहर के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। कहाँ यह स्थित था या स्थित है, यह कैसे नष्ट हो गया था, इसे क्यों नष्ट किया गया था और क्या यह सच में वास्तविक में था। अटलांटिस का खोया शहर हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर बहुत पसंद आया है तो इसे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर बहुत बहुत पसंद आया है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।